हम सभी अक्सर ज्योतिष शास्त्र की बातों को बहुत मानते हैं और उसके अनुरूप कई बार अंगूठियां या बहुमूल्य रत्न धारण करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें विश्वास होता है कि इनसे कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। ये बहुमूल्य रत्न भी भिन्न भिन्न रंगों के और अलग अलग लोगों की कुंडली के हिसाब से पहनी जाती है। इन बहुमूल्य अंगूठियों के अलावा आपने कई बार लोगों को कछुए वाली अंगूठी पहने देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर लोग कछुए वाली अंगूठी क्यों पहनते हैं? और हाँ, इसका फैशन से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कछुए वाली अंगूठी के फायदे। वास्तु शास्त्र में कछुए वाली अंगूठी को बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्र बताते हैं कि यह अंगूठी इसे धारण करने वाले मनुष्य के जीवन के कई दोषों को शांत करने का काम करती है, मगर सबसे ज्यादा ये धारण करने वाले का आत्मविश्वास बढ़ाती है। पुराणों के अनुसार कछुआ जो जल में रहता है सकारात्मकता और प्रगति का चिन्ह माना जाता है। साथ ही कछुआ भगवान श्री हरि का एक अवतार भी कहा जाता है। पौराणिक कहानियों में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान ही कछुए की उत्पत्ति हुई थी और धन की देवी लक्ष्मी भी वहीं से आई थी। इसीलिए कछुए को धन और देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। इसीलिए वास्तु शास्त्र में कछुए को विशेष महत्व दिया गया है। इसे देवी लक्ष्मी से जोड़ा गया, यानी धन को बढ़ाने वाला। धन के अलावा यह जीव धैर्य, शांति, निरंतरता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इन सभी लाभों को पाने के लिए आप भी कछुए वाली अंगूठी पहन सकते हैं, मगर इससे जुड़ी कुछ खास बातों का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि आप भूलवश इसके नकारात्मक प्रभाव में न फंस जाए। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुरूप कछुए वाली अंगूठी चांदी में बने ही पहने। अगर आप सोना या अन्य धातु का उपयोग करना चाहते हैं, तो कछुए को चांदी का बनवा कर उसके ऊपर सोने का डिजाइन करवाएं। इस अंगूठी को धारण करते वक्त कछुए के सिर वाला हिस्सा पहनने वाले व्यक्ति की तरफ ही होना चाहिए। अगर उसका मुंह बाहर की तरफ हुआ तो धन आने के बजाय जाने लगेगा। कछुए वाली अंगूठी को सीधे हाथ में ही धारण करें। सीधे हाथ की मध्यमा या तर्जनी अंगुली में इसे शुक्रवार के दिन पहने। माता लक्ष्मी का दिन शुक्रवार है, इसीलिए यह दिन इस अंगूठी को पहनने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन इस अंगूठी को खरीदें और घर लेकर माता लक्ष्मी की तस्वीर अथवा मूर्ति के समक्ष रखें। फिर इसे दूध और पानी में धोएं और अगरबत्ती दिखाकर पहन लें। इस दौरान आप निरंतर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस अंगूठी को धारण करने के बाद इसे ज्यादा न घुमाएं, क्योंकि ऐसा करने से बार बार इसकी दिशा बदलेगी, जिससे आने वाले धन में रुकावट हो सकती है। इस वीडियो को लाइक और आगे शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।